अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा किचन। आज मैं बना रही हूँ खीर। इसके लिए मैंने 2 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। इसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। ये मैंने चावल लिया है। चावल को मैं 1 घंटे पहले भिगो दी हूँ। इसे मैंने अच्छे से 2-3 पानी धो लिया है, फिर इसके बाद अच्छे से इसे भिगो दिया है। दूध हमारा गर्म हो रहा है। इसमें हम दूध में एक उबाल आएगा तो फिर हम इसमें चावल डालेंगे। अभी देखिए उबाल आया नहीं है, हम इसे उबाल आने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे दूध में अच्छे से उबाल आ गया है। अब हम इसमें चावल डालेंगे। चावल में से हम सारा पानी निकाल लेंगे, बस चावल को डालेंगे, पानी को नहीं डालेंगे। अब हम चावल को डाल देते हैं और इसे अच्छे से पकाएंगे। मैंने 2 लीटर दूध में 100 ग्राम चावल लिया है। अब चावल की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे चावल गल रहे हैं। अब हम इसमें 4 इलायची का मुंह खोल करके इसको इसमें डाल देंगे और इसमें पकने देंगे और किनारों से चलाते हुए अच्छे से इसे चलाते रहेंगे बार बार। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी खीर जो है वो धीरे धीरे गाढ़ी हो रही है। अब हम इसे इसी तरह चलाते हुए पकाते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड, देखिए फ्रेंड्स, हमारी खीर कितने अच्छे से पक गए हैं। अब हम इसे पकाते पकाते ऐसे ऐसे चलाते रहेंगे जिससे कि चावल घुलने लगे और खीर हमारी बिल्कुल गाढ़ी हो जाए। ये देखिए हमारी चावल एकदम पक चुकी है। बस हम ऐसे करेंगे तो ये घुलना शुरू हो जाएगी। ये देखिए, अब हम इसमें बादाम डालेंगे। ये मैंने 100 ग्राम बादाम लिया है। मैंने इसे रफली चॉप कर लिया है। अब इसे हम खीर में डाल देंगे। इसे भी हम अच्छे से मिला लेते हैं। मैं ये नियाज के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं और ज़्यादा ड्राई फ्रूट नहीं डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें बहुत सारे जो भी है, बादाम, पिस्ता, काजू वगैरह सब डाल सकते हैं। मैं कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, बस बादाम ही डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं ये शक्कर ली हूँ। मैं इसे 250 ग्राम खीर में डालूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा खीर का कलर भी बिल्कुल चेंज हो चुका है और ये बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है। तो हम इसमें लगभग 100 से 250 ग्राम शक्कर डाल देंगे। इसे अच्छे से मिला लेंगे। शक्कर डालने के बाद इसे ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, बस उतना पकाना है कि हमारा शक्कर बस घुल गया। ये देखिए माशाल्लाह, कितने अच्छे खीर बन गए। देखिए फ्रेंड्स, हमारा खीर बन करके तैयार है, लेकिन मैं इसे फातिया होने के बाद ही आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। ठीक है फ्रेंड, फिर उसे मैं ड्राई फ्रूट से, अलग अलग ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग करके दिखाऊंगी। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे नियाज का खीर बन करके तैयार है। मैंने इसमें पिस्ता, बादाम और काजू से और किशमिश से गार्निश किया है। थोड़े से गुलाब के पत्ते लगाए हैं क्योंकि नियाज में गुलाब के पत्ते डाल करके फातिया करवाया जाता है। ये देखिए, अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना।